तो देखो बच्चों, हमारा यूनिट चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, जॉन टेलर इफेक्ट। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो इफेक्ट है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें होने वाले डिस्टॉर्शन, मींस स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, और जो डी ऑर्बिटल्स हैं, मीन्स मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक, इनके बीच का एक रिलेशन बताया गया है बच्चों। ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि हम इसको क्या डिफाइन, पहले तो ये बताएं कि इट इज क्या है, रिलेटेड टू, ठीक है, डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। समझ गए बच्चों कि जॉन टेलर इफेक्ट किससे रिलेटेड है, कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर में जो डिस्टॉर्शन होता है किसके कारण, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, डी ऑर्बिटल्स का। तो यही बताता है क्या, जॉन टेलर इफेक्ट है। तो देखो, इसने ये कहा है कि इसमें कि स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी डिस्टॉर्टेड इफ अनसिमेट्रिकल समझ गए बच्चों, अनसिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन प्रेजेंट इन टी टू जी एंड ई जी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स स्टेट। यह है बच्चों इसका, ठीक है, रूल कि अगर कॉम्प्लेक्स में, जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, मींस कॉम्प्लेक्स स्टेट में, अगर डी ऑर्बिटल में किसी भी प्रकार का, डी ऑर्बिटल के कौन से, टी टू जी और ई जी जो ऑर्बिटल्स हैं, इनमें किसी भी प्रकार का अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स का वो डिस्टॉर्टेड होगा, मींस उसकी बॉन्ड लेंथ एक सी नहीं होंगी, इक्वेटोरियल अलग होंगी, एक्सियल अलग होंगी। इसी को बोला गया है बच्चों क्या, डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्स या जॉन टेलर इफेक्ट। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं डी ऑर्बिटल्स में, तो वो कैसे पहचाने, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूं, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए बच्चों, कौन सा, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। और पहले हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, या हम ये कहें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस में, कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता है तब उस समय सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है तो देयर इज नो, यहां पे मैं बता दूं कि अगर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, ठीक है, प्रेजेंट है, तो नो डिस्टॉर्शन, ये है इन कॉम्प्लेक्स, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अगर अनसिमेट्रिकल है तो ही डिस्टॉर्शन होगा। तो देखो बच्चों, कौन कौन सी स्टेट है जब कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता कॉम्प्लेक्स में या सिमेट्रिकल। तो पहला है कि टी टू जी जीरो हो और ई जी जीरो हो, तो ये एक क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल
कॉन्फिगरेशन, समझ गए ना, मींस डी जीरो स्टेट। दूसरा टी टू जी कितना हो 6 और ईजी कितना हो 4, तो भी ये क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब कौन सी स्टेट हो गई है, D10। बात समझ गए ना कि D0 हो तो भी कोई ऑर्बिटल में ऐसा कोई अनसिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन नहीं है। अगर 10 हैं तो सभी भरे हुए हैं, ठीक है। तीसरा देखो अब आप, अगर टी टू जी कितने हो बच्चों 6 और ईजी 0 हो तो भी ये क्या कहलाएगा बच्चों, सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन। समझ गए ना इस तरह से, इसका मतलब है कि ये हो गई D6 स्टेट। बात क्लियर है कि अगर D6 कॉन्फिगरेशन है और इस तरह से, तो ये है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिए गए हों बच्चों। कैसे लिगेंड लिए गए हों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो D6, D10 और D0। इसके अलावा देखो और बता दूं, चौथी स्टेट है इसी में T2G3 और EG0 हो तो भी ये क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिकल। ये है मींस D3 स्टेट। यहां तक बात क्लियर है कि D3 भी हो D6 हो इस तरह से, ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कंडीशन जब क्या हो बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो। तो D0, D3, D6, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट होगी, देखो D0, D6, D10 और D3, ये हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की स्टेट जब ये सिमेट्रिकल है। इनमें मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कि कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नॉट शो डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन नहीं होगा। जैसे मैं कहूं ये लिखा है K4FeCN6, तो आप यहां जाएंगे तो 3D6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, किसका, Fe2+ का, तो इसमें नो, समझ गए बच्चों, डिस्टॉर्शन, एक कंडीशन। ये बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरह से लिखा है CONH3Cl3, तो यहां पे भी चले जाओ आप 3D6, मतलब यहां पर ये जो है T2G6 स्टेट होगी बच्चों, ईजी तो खाली है पूरी, ठीक है, ऐसे यहां पर भी T2G6 है और ईजी यहां पर हम ये कहें कि 0 है, मतलब डी ऑर्बिटल की पर्टिकुलर, ऐसे नहीं कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हम देखने हैं, केवल डी ऑर्बिटल के जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी तरह से यहां पर ये देखें, क्योंकि वो तो लिगेंड से भर गए ईजी, तो यहां पर मेटल आयन का कॉन्फिगरेशन देखना है, तो इस तरह से ये भी क्या होगा बच्चों, डिस्टॉर्शन लेस होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, नो डिस्टॉर्शन, ये है, ओके। ठीक इसी तरह से अब हम आते हैं और भी देखो, जैसे कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, ये है ZN, ठीक है, NH3Cl2, तो इसमें आप देखोगे 3D6 मींस और सॉरी 3D10 है, यहां पर टोटल कितना है 3D10, जिसमें देखोगे T2G में 6 और EG में क्या है 4, तो भी ये क्या है, नो डिस्टॉर्शन की स्टेट आ गई। समझ गए ना कि, और भी अगर आप D3 वाला कोई कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसे कि वैनेडियम H2O होल 6 प्लस 2 स्टेट में चले जाए, 3D3 बचेगा, T2G में 3 होंगे, EG में 0 होगा, तो इसमें भी नो डिस्टॉर्शन। समझ गए ना। ठीक इसी तरह से मैं कहूं कि ये है क्रोमियम, और यहां पर अगर हम इसमें क्रोमियम में चले जाएं, वैनेडियम टाइटेनियम, चले टाइटेनियम में आ जाते हैं, ठीक है, कि टाइटेनियम में अगर हम देखें तो टाइटेनियम और H2O, ठीक है बच्चों, प्लस 3 ले लें, तो वैनेडियम में तो होते हैं 3, स्कैंडियम टाइटेनियम 2 नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तो इस तरह से, तो वैनेडियम में समझ गए ना कि यहां पर अगर आप वैनेडियम में चले तो 3D3 4H2, ये कॉन्फिगरेशन होता है, 2 निकाल दें, तो टाइटेनियम में 1+ की कंडीशन होगी। अगर हम क्रोमियम में चले जाएं तो 3+ की स्टेट आ जाएगी बच्चों, कि अगर हम यहां पर ये देखें Cr H2O होल 6 प्लस 3 स्टेट, ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, D3,
तो ये इस बिल्कुल सेम इस तरह से, तो ये है जब इनमें कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़े हों, जैसे क्रोमियम के साथ बच्चों 3 प्लस में H2O एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है। यहाँ तो वीक लिगेंड है, होने के बाद भी D3 कॉन्फिगरेशन ही होगा, तो यहाँ पर भी एक प्रकार का ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है। तो ये समझ गए ना आप कि अगर D3 में या T2G और EG में किसी भी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा बच्चों, इस तरह से डिस्टॉर्शन है। तो ये किसकी प्रेजेंस में बताया मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। अब दूसरा आता है कि अगर वीक लिगेंड है बच्चों, ठीक है, वीक लिगेंड मींस हाई स्पिन, तो हाई स्पिन में भी ये बता दूं कि पहली कंडीशन है T2G 0, EGG 0 1, दूसरा T2G 6, EG 4, ठीक है बच्चों, तीसरा T2G में 3 और EG में कितने हो बच्चों 2, मतलब ये हो गया D0 स्टेट, ये हो गई D10 स्टेट, ये हो गई D5 स्टेट, ठीक है। चौथा देखो कि T2G में जो है कितने हो बच्चों 6 और EG में कितने हो 2, मतलब D8 स्टेट हो गई। यहां तक बात क्लियर है अच्छे से? तो ये जो है ये है सिमेट्रिकल, क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन इस तरह से। तो सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन है अगर और वीक लिगेंड है तो भी नो डिस्टॉर्शन, मतलब इस स्टेट में भी क्या आएगा, नो डिस्टॉर्शन, अच्छे से देखें, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा K3FeF6, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे D5 होगा जिसमें T2G में 3 और EG में कितने होंगे बच्चों 2, बिल्कुल सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन है, नो डिस्टॉर्शन मींस नो जॉन टेलर इफेक्ट। यहां तक बात क्लियर है कि इस तरह से, ठीक है। ठीक इसी तरह से लिखा है Ni NH3 होल 6 प्लस 2, भले इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों, लेकिन अगर यहां देखोगे D8 है तो T2G में 6 और EG में होंगे 2, इसमें भी क्या आएगा बच्चों, नो डिस्टॉर्शन। बात समझ में अच्छी तरह से आ गई? और भी देखो, अगर मान लो एक ये भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों, देखो एक और मैं बता दूं कि ये अगर हम फिफ्थ लें कि T2G ठीक है 3 और EG 0, तो भी इस तरह का डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब इस तरह से ये भी एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये लिखा है Zn H2O होल 6 प्लस 2, तो अभी कितना होगा बच्चों, D10 है, ये हो जाएगा T2G 6 EG 4, तो भी नो डिस्टॉर्शन, समझ गए ना, इसमें भी नो डिस्टॉर्शन होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम वैनेडियम और H2O होल 6 प्लस 2, ठीक है ये वाला, तो भी 3D 3 हो जाएगा, मींस T2G 3 है और EG क्या है 0। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से देख के लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मान लो क्रोमियम, ठीक है, और ये है H2O होल 6 प्लस 3, हालांकि ये हाई स्पिन ना हो के लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो भी यहाँ पर D3 T2G 3 और EG क्या है 0, तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, नो डिस्टॉर्शन। अब आता है कि डिस्टॉर्शन किस कंडीशन में होगा। अब हम बता दें अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, क्या है, अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चर विल बी ऑब्जर्व्ड मीन्स जॉन टेलर जो है जॉन टेलर इफेक्ट मिलेगा, मीन्स ठीक है। कई बार क्वेश्चन होता है ना कि इनमें से किस में जॉन टेलर इफेक्ट है, तो जॉन टेलर
जेलर लिख गया, जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व, समझ गए बच्चों। अब हम आते हैं अनसिमेट्रिकल। तो देखो पहले बता दूं स्ट्रॉन्ग लिगैंड में कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो कौन सी स्टेट में जो है अनसिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन होगा, जैसे T2G1 EG0, ठीक है, T2G2 EG0, समझ गए बच्चों। T2G3 में नहीं आएगा क्योंकि वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। फिर आता है T2G4 हो EG0 और T2G, ठीक है, यहां हो जाए 5 और EG0। इसके अलावा D6 स्ट्रॉन्ग में नहीं आएगा, फिर आ जाएगा D7, या हम ये कहें कि ये कंडीशन बन रही हो। देखो ये वाली कंडीशन कौन सी होगी बच्चों, D1, ये वाली क्या हो गई D2, ये क्या हो गई D4, ये क्या हो गई D5। D6 में तो नहीं आएगा, D7 कि T2G में कितने हो बच्चों, 6, और EG में 1 हो, मतलब D7, ठीक है। ठीक इसी तरह से T2G में हो 6 और EG में हो दोनों, मतलब एक किसी ऑर्बिटल में हम ये कहें 2 हैं और DZ स्क्वायर में 0 है, तो भी ये D8 स्टेट में भी मिलेगा बच्चों, समझ गए ना। और D9 तो हो गई होगा, तो D9 में क्या होगा, T2G में 6 और EG में 3। तो इस तरह से ये स्टेट हैं जिनमें डिस्टॉर्शन मिलेगा बच्चों, D1 में, D2 में मिलेगा, D4 में मिलेगा, D5 स्ट्रॉन्ग लिगैंड में, D7 में मिलेगा, D8 में मिलेगा। D8 में कैसे हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड के इफेक्ट से एक EG ऑर्बिटल तो पूरी भर जाएगी और एक खाली रह जाएगी, ठीक है, तब ये मिल सकता है। ठीक इसी तरह D9 में देखोगे T2G में 6 और EG में क्या होंगे, 3। तो भी मींस इसका आपको ये देखना है कि कोई भी डी ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो या वेकेंट हो T2G और EG, तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। अगर किसी भी ऑर्बिटल में कि ऑर्बिटल खाली रह जाती है, चाहे वो T2G हो EG और बाकी में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि ये लिखा है K3FeF6, ठीक है, तो K3FeF6 में जाओगे तो 3D5 आएगा, जिसमें T2G में 5 है और EG में क्या है बच्चों, 0 है। तो ये इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, मीन्स इनकी बॉन्ड लेंथ में चेंजेस दिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये है, ठीक इसी तरह से 8, 9 इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे लिखा है Ni NH3 होल 6 प्लस 2, ठीक है, इसमें भी डिस्टॉर्शन मिलता है। ठीक इसी तरह से लिखा Cu NH3, ठीक है, ये बल्कि टेट्राहेड्रल होगा बच्चों, ये है हमें तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो एक एक बटे ही रहेगा ना। जैसे ये लिखा है Ni, ठीक है, NH3 होल 4 प्लस 2, NiCN होल 4, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर है -2 Cu NH3 होल 4 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे D8 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D8 है, D9 है। तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है D7, जैसे CO, ठीक है बच्चों, यहां है, या हम यहां पर ले लें कि इस तरह से ये है Cl होल 4, तो यहां कितना होता है D7 और -2, तो T2G में कितने होंगे, देखो 5 में से 3 और 1 4 यहां होंगे। EG में कितना हो जाएगा फिर, और यहाँ नहीं 5 हो जाएंगे, यहाँ पर यहाँ कितने होंगे बच्चों, 5 इस तरह से, और EG में कितने होंगे, 2। तो अभी आ गए T2G5 स्टेट। तो ये है जब डिस्टॉर्शन मिलेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब आता है कि अगर वीक लिगेंड हो तो क्या होगा बच्चों, वीक लिगेंड फील्ड में, तो वीक लिगेंड फील्ड में देखो D1
डी टू, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे, या मैं अलग अलग ही लिख दे रहा हूं, जैसे डी वन है, ठीक है, तो टी टू जी वन है, डी टू है तो टी टू जी टू है, ठीक है। अगर हम कहें कि डी फोर है तो टी टू जी में तीन और ई जी में एक, ये डिस्टोर्शन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। डी फाइव में नहीं आएगा, डी सिक्स की बात करें, है ना, तो यहां पर डी सिक्स कॉन्फिगरेशन अगर है तो सोचो आप कि टी टू जी में कितने होंगे बच्चों, चार, ई जी में कितने होंगे, दो। फिर आ जाते हैं, अगर मान लो हमारे पास डी सेवन है, समझ गए ना, तो डी सेवन में क्या होगा, देखो टी टू जी में कितने हो जाएंगे, पांच, ई जी में कितने हो जाएंगे, ये है। डी एट में नहीं आएगा क्योंकि दोनों में बटे होंगे, डी नाइन में आ जाए, ठीक है, तो टी टू जी जो है छह हो जाएंगे और ई जी में तीन हो जाएंगे। तो ये है जबकि क्या होगा, डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व होगा बच्चों। अब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, अगर इस तरह का कॉन्फिगरेशन दिखता है तो वो मिलेगा, उसमें डिस्टॉर्शन की स्टेट मिलेगी। तो वीक लिगैंड फील्ड में इस तरह के कॉन्फिगरेशन देख के और कॉम्प्लेक्स में बता देना है कि कब डिस्टॉर्शन होगा कब नहीं होगा। तो ये था हमारा इस तरह से कॉन्फिगरेशन के बारे में और स्लाइड। अब मैं एक पॉइंट और बता दूं कि अगर अनसिमेट्रिकल, समझिए बच्चों, अनसिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन किसमें है, टी टू जी में, प्रेजेंट इन टी टू जी, ठीक है, तो इसमें होगा स्लाइट डिस्टॉर्शन, समझ गए ना। और अगर यही अनसिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन अगर यही कहां पर है, इजी में, ठीक है, तो इस समय होगा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। समझ गए बच्चों कि अगर इजी ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकल है तो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, जैसे कि डी फोर है मान लो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे टी टू जी तीन और ई जी वन, तो हम कहेंगे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ठीक इसी तरह से डी नाइन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, तो टी टू जी छह और ई जी में तीन हो जाएंगे, तो भी ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, समझ गए ना। ठीक इसी तरह से अगर मान लो डी सेवन है, तो आप देखोगे टी टू जी में छह और ई जी में एक, ठीक है, ये कब होगा, या मैं ये कहूं कि डी सेवन कॉन्फिगरेशन पहले यहां लिख दूं कंडीशन, ठीक है, कि डी सेवन है और क्या है, वीक लिगेंड, ठीक है, तो देखो आप, तो यहां पर क्या बचेगा, टी टू जी में छह और ई जी में एक, तो ये यहां पर भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा, होगा ना। ठीक इसी तरह से डी एट है मान लो, नहीं आएगा डी एट में, तो डी टू एक्स वाई दोनों में एक एक हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आया था डी, ठीक है, यहां पर था ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, इसमें बता दूं डी एट हो, यदि डी एट और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, तो टी टू जी में छह और ई जी में दो होंगे, लेकिन वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में होने के कारण यहां पर भी क्या मिलेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। तो डी सिक्स है, ठीक, वीक लिगेंड ऐसे डी नाइन हो जाए और वीक लिगेंड हो तो टी टू जी छह और ई जी में कितने होंगे, तीन, तो भी क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग। इस तरह से स्लाइड की बात करूं, जैसे लिखा है डी वन तो टी टू जी वन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्लाइट होगा डिस्टॉर्शन, समझ गए ना। डी टू भी है तो भी टी टू जी भी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भी मिल जाएगा ऐसा। ठीक इसी तरह से डी फोर हो तो टी टू जी में कितने हो जाएंगे बच्चों, चार, ईजी तो जीरो रहेगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो भी यही डिस्टॉर्शन मिलेगा, समझ गए ना। हाई ये है,
तो d4 स्टेट में भी ऐसा मिल सकता है, और d5 है तो भी t2 g5 ही रहेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो भी मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लो ये किस में है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर यही वीक लिगेंड में आ जाए, कि अगर हमारे पास वीक लिगेंड है तो d4 d9, ठीक है बच्चों, सॉरी यहां पर हमें क्या बताना है, स्लाइड का बताना है, ये तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है, कि अगर यहां पर बता दूं कि d1 हो d2 हो, ठीक है, और वो वीक लिगेंड हो तो स्लाइड मिलेगा डिस्टॉर्शन इस तरह से। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो d1 d2 या फिर हम d7 में भी ले सकते हैं, अगर आप d5 d6 में चले जाए ना, वीक लिगेंड हो तो भी ये डिस्टॉर्शन मिलेगा। तो ये था हमारा जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कब वो है। तो सीधी सी बात है, इतना सा याद रखना है कि T2G सिमेट्रिकल हो प्लस EG सिमेट्रिकल हो तो नो डिस्टॉर्शन। समझ गए बच्चों? एक T2G भले सिमेट्रिकल हो और प्लस EG अनसिमेट्रिकल हो, या फिर T2G अनसिमेट्रिकल हो EG सिमेट्रिकल हो, यहां पर क्या मिलेगा आपको? डिस्टॉर्शन। मीन्स यहां पर जोन टेलर इफेक्ट क्या होगा बच्चों? ऑब्जर्व होगा, ये बात ध्यान रखनी। और मैंने सारे बता दिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये था हमारा जोन टेलर इफेक्ट के बारे में बच्चों, ठीक है। अब एक और बचता है लास्ट टॉपिक, और वो है, मैं इसी को यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, और ये जो है ये आता रहता है ट्रांस इफेक्ट। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं दूंगा मैं, बस होता क्या है और किन में मिलता है ये ध्यान रखना है। ट्रांस इफेक्ट कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है, देखो डिफाइन कर दूं मैं कि द लेवलाइजेशन, समझ गए बच्चों? द लेवलाइजेशन मीन्स रिएक्टिविटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेकिंग मोर रिएक्टिव, या हम ये कह सकते हैं कि बल्कि लेवलाइजेशन का मतलब है कि एक प्रकार से ज्यादा रिएक्टिव बना देना, किसी को ज्यादा रिएक्टिव बना देना, मतलब मेकिंग मोर रिएक्टिव। लेवाइल कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसी में आता है लेवलाइजेशन, मेकिंग मोर रिएक्टिव ऑफ लिगेंड ट्रांस टू सर्टेन अदर लिगेंड, ठीक है, विच कैन दिस वी रिगार्डेड, ठीक है, रिगार्डेड एज ट्रांस इफेक्ट या ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या लिखेंगे बच्चे से? ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। लेबलाइजेशन ऑफ लिगेंड ट्रांस, ओके, ट्रांस टू सर्टेन अदर लिगेंड विच कैन दिस बी रिगार्डेड एज ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब वो जो है सर्टेन लिगेंड। समझ गए बच्चों? कि इस तरह से अगर मान लो ये है कि द लेबलाइजेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है, लेबलाइजेशन ऑफ लिगेंड ट्रांस टू सर्टेन अदर लिगेंड विच कैन दस वो दिस लिख गया, दस बी रिगार्डेड एज ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, या सर्टेन जो लिगेंड है उसको बोलेंगे। देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये है क्या, वाई प्लस जैसे एल एल, ठीक है, यहां पर है एक ग्रुप टी और ये है एक्स, हम जानते हैं ये अटैक कर रहा है इस पे, ठीक है, अटैक किया कुछ समय के लिए, ये वाई जुड़ गया किसके साथ? बीच में, ये मान लो यहाँ पर मेटल एटम है, क्या है बीच में यहाँ पर? इस तरह से मेटल।
तो मैंने कहा ये मेटल है, ठीक है, यहां पर ये टी जुड़ा हुआ है, यहां पर जो है एक्स जुड़ा हुआ है, और यहां पर एल, दोनों लिगेंड एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये क्या बन गई बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब क्या हो, अब इनमें से कौन सा लिगेंड हट रहा है? अगर हम ये कहें कि अब हमारे पास एल एम एल, और यहां पर टी है, और यहां पर अब आ गया क्या वाई, और हट क्या गया एक्स, तो किसकी ट्रांसपोजिशन से हट रहा है बच्चों? देखो टी की ट्रांसपोजिशन से, कौन? एक्स। तो जो टी है ये कहलाएगा बच्चों क्या? ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। और इसका लेवलाइजेशन हो गया, किसका लेवलाइजेशन हो गया बच्चों? एक्स का। तो इस तरह से किसी सर्टेन लिगेंड की ट्रांसपोजिशन में अगर कोई ग्रुप है और वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है तो इसे बोला जाता है बच्चों क्या? ट्रांस इफेक्ट। और जो ग्रुप ऐसा कर देता है कि दूसरे को रिएक्टिव बना देता है उसको बोलते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहां पर हम ये कहेंगे, समझ गए ना, कि अब ये कहें हम कि दस ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर ऑफ टी, ठीक है, हायर देन एक्स, क्योंकि एक्स हट रहा है टी के ट्रांस से। अगर टी हट जाता और एक्स आ जाता तो हम कहते कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है? एक्स का। मींस अगर हम ये कॉम्प्लेक्स है, मान लो मेटल, यहां पर है टी और यहां पर क्या है बच्चों? एक्स, ये है वाई, ये है वाई, ये है वाई, और एक लिगेंड आया और इस तरह से यहां पर लिगेंड जुड़ गया, यहां एक्स है, वाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो ट्रांस इफेक्ट है, ठीक है, किसका? ट्रांस इफेक्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन टी। और यहां पर अगर हम ये कहें कि ट्रांस इफेक्ट, ठीक है, ऑफ टी ग्रेटर देन एक्स, तो एक ग्रुप जो किसी के ट्रांस में है वो हट रहा है किसी लिगेंड से, तो जो उसकी ट्रांस पोजिशन में दिख रहा है ग्रुप वही उसका स्ट्रांग ट्रांस इफेक्ट ग्रुप होगा। जैसे मैं ये कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स लिखा है, ठीक है, यहां पर है कोई मेटल एटम, यहां पर है अमोनिया, ठीक है, यहां है Cl, यहां है Br, यहां है साइनाइड, यहां है CO और यहां पर है OH, यहां पर आया कोई लिगेंड, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ग्रुप हट गया। जैसे यहां पर आप देखा आपने कि ये है साइनाइड और यहां लिगेंड आ गया, यहां Cl, यहां CO, यहां NH3 और यहां पर है OH। तो अब आप देख रहे हैं कि सबसे, मतलब किसकी ट्रांसपोजिशन में लिगेंड आया है? CN की। तो इसका मतलब है कि हम ये कहें कि ट्रांस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ साइनाइड हायर देन BR। क्यों? क्योंकि अगर BR की ट्रांस से हटता तो हम BR का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा बोलते, क्योंकि साइनाइड की ट्रांसपोजिशन से हट रहा है इसीलिए हम कहेंगे कि साइनाइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। जैसे और भी एग्जाम्पल देखो बच्चों, कि यहां पर ये है एक कॉम्प्लेक्स है, सपोज हमारे पास यहां Cl है, यहां Cl है, यहां Cl है, यहां Cl, एक अमोनिया आया, पहले अमोनिया ट्रांस सब्स्टिट्यूट हो गया इस तरह से, ठीक है, कि यहां Cl है, यहां Cl है, यहां Cl और यहां पर है NH3। अब मान लो फिर अमोनिया आ जाए, तो अमोनिया आप देखोगे कि ये अमोनिया था, एक यहां जुड़ गया अमोनिया, और यहां Cl है और यहां Cl। अब मैं आपसे पूछूं कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो आप यही लिखोगे ना कि ट्रांस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ Cl हायर देन अमोनिया। क्यों? क्योंकि अमोनिया की ट्रांसपोजिशन से ये वाला Cl तो नहीं हटाना, कौन सा हट रहा है? ये वाला। तो इस तरह से एक Cl ने अपने दूसरे Cl को कम रिएक्टिव बनाया और उसको हटा दिया। तो इस तरह से ठीक इसी तरह से ये लिखा है, मान लो ये ले लें NH3 यहां पर, ये है NH3 यहां पर, ये है NH3 यहां पर और ये है NH3 यहां पर। अब मान लो यहां Cl आया, तो एक Cl यहां जुड़ गया, यहां Cl जुड़ गया, ठीक है, मान लो, और ये NH3 है, ये NH3 है और ये है NH3। फिर मान लो Cl आ जाए अब, ठीक है, तो जैसे ही Cl आया तो अब आप देखोगे कि यहां पर Cl था, हमने पहले कहां का सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, कि यहां पर,
जो है अमोनिया और एक था ये। फिर अगला जो Cl आया वो Cl की ट्रांसपोजिशन में जुड़ गया। तो हम इस तरह से देखें कि ये कंडीशन है हमारे पास कि ये है यहां पर Cl है, जबकि यहां NH3 है और यहां NH3 है। तो आप देख रहे हैं कि जो Cl की ट्रांसपोजिशन में अमोनिया था वो हट गया इस तरह से। तो हम यहां पर भी कह सकते हैं कि ट्रांस इफेक्ट ऑफ Cl ग्रेटर देन अमोनिया। तो इस तरह का ये कहलाता है बच्चों क्या, ट्रांस इफेक्ट। मैं कुछ ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप का ऑर्डर बता दूं, ग्रुप जो आते रहते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ठीक है बच्चों, और वो भी कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूं मैं। ये है तो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर अब हम देखें तो ये है साइनाइड, फिर आता है CO, फिर है NO, फिर है H, फिर है CH3, फिर है C6H5, ठीक है, SR2, NO2 माइनस, आयोडाइड माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, Py माइनस, NH3 माइनस, OH माइनस एंड H2। ये है डायरेक्टिंग इफेक्ट, मींस ट्रांस इफेक्ट इस तरह से। तो ये इफेक्ट पड़ता है ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप का, तो यहां पर इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों, तो इस तरह समझ में आई ना डेफिनेशन कि किसी भी एक पर्टिकुलर लिगेंड की ट्रांसपोजिशन में अगर कोई लिगेंड है और वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है तो वो सर्टेन लिगेंड को बोलेंगे ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। जैसे आपने इन एग्जांपल्स में देखा कि टी के ट्रांस में एक्स था, वो एक्स हट गया और वहां पर कोई दूसरा लिगेंड आ गया, मतलब ये है यहां पर जैसे ये वाला था, है ना, कि टी की ट्रांस में और वहां पर वाई आ गया, तो हम कहेंगे कि टी का ट्रांस फैक्ट एक्स से ज्यादा है। ठीक इसी तरह से मान लो ये वाली कंडीशन बन रही है कि एक्स की ट्रांस का टी हट के, तो हम कहेंगे एक्स का ट्रांस फैक्ट ज्यादा है। जैसे ये थे आपने देखा साइनाइड की ट्रांस में जुड़ रहा है ब्रोमीन हट के, तो इसका मतलब साइनाइड का ट्रांस फैक्ट ब्रोमाइड से ज्यादा है। अगर साइनाइड हट जाता तो हम कहते ब्रोमाइड का ज्यादा है। इसमें एक अमोनिया एंटर करा दिया, फिर अगला अमोनिया आप देख रहे हैं क्लोरीन के ही ट्रांस में ही जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि क्लोरीन का ट्रांस फैक्ट ज्यादा है ना कि अमोनिया का। अमोनिया थे पहले एक ट्रांस इफेक्ट, क्लोरीन आया, अब देख रहे हैं अगला क्लोरीन जो है, ठीक है, वहां पर जा रहा है जहां अमोनिया है, और इस तरह से हम कहेंगे कि अमोनिया के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट जा रहा है। और ये हैं कुछ ग्रुप्स जो उनके ट्रांस इफेक्ट याद रखने, यहां तक क्लियर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और ये है ट्रांस इफेक्ट की बात, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन पूरा हो गया, बाकी इसके एप्लीकेशंस हैं तो वो आप अच्छे से देखें, जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, है ना, सिस्प्लेटिन है जिसका यूज एंटी कैंसर की तरह होता है, EDTA है जिसका यूज कैल्शियम मैग्नीशियम की हार्डनेस के रिमूवल में होता है, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरह से एक बार एप्लीकेशन जरूर देखना, ओके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।